अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। एक तरफ पाकिस्तान में तालिबान का झंडा फहराया जाता है तो दूसरी तरफ वहाँ इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, विरासत स्थल को नष्ट किया जा रहा है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है आतंकियों के पालनहार देश पाकिस्तान में। इस बार पाकिस्तान में बौद्ध विरासत स्थलों को नष्ट किया गया, जिसके बाद श्रीलंका भड़क गया। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के स्वात घाटी में विरासत स्थलों में बौद्ध नक्काशी स्तूपों और बुद्ध की मूर्तियों को विध्वंस कर दिया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में चीन की मदद से बनाए जा रहे डायमार भाषा बांध परियोजना सह जल विद्युत संयंत्र पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बौद्ध मूल के 30,000 नक्काशी और मूर्तियों को नष्ट करके बनाए जाने की खबरें सामने आई। इससे पहले 2020 में इमरान खान के नए पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनवा में भगवान बुद्ध की 1700 साल पुरानी एक मूर्ति को ध्वस्त किया जा चुका है। और तो और, मूर्ति विध्वंस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी उस वक्त काफी वायरल हुआ था। इसको लेकर नागरिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की थी। हालांकि पाकिस्तान में ही इसे एक बड़ा धड़ा समर्थन भी दे रहा है। पाकिस्तान ने कई मौकों पर देश में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने का वादा करके पीठ में छुरा मारने का काम किया है। अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर होते हमले अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तो करता आया है, लेकिन उसके साथ ही वो अपने इस व्यवहार को दुनिया से छिपाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी ये करतूतें दुनिया के सामने आती चली जा रही हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आस्था पर कट्टरपंथी हावी हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की आस्था बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों की आस्था पर गहरी चोट की है। श्रीलंका से अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए पाकिस्तान को ये एक बड़ा झटका है, जब उसी के देश में बौद्ध आस्था पर इस तरीके से वार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।